सभापति महोदय, भूपेंद्र यादव आदमी बहुत ही है सोबर, भूपेंद्र यादव आदमी बहुत ही है सोबर, इसलिए मोदी जी ने उनको मंत्रालय दिया है लेबर। मैं हूँ भूपेंद्र यादव का नेबर, मैं हूँ भूपेंद्र यादव का नेबर, इसलिए मैं भी बन गया हूँ सोबर। नरेंद्र मोदी जी का नारा है श्रमिकों को न्याय देना, नरेंद्र मोदी जी का नारा है श्रमिकों को न्याय देना, उसके बदले उनसे कुछ भी नहीं लेना। कांग्रेस से अब मेरा नहीं है कुछ भी लेना देना, कांग्रेस से अब मेरा कुछ भी नहीं है लेना देना, क्योंकि मोदी जी के पीछे खड़ी है मेरी रिपब्लिकन सेना। तो आज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विषय पर ये चर्चा हो रही है, और देश जो है देश मतलब श्रमिकों के ताकत पर खड़ा है। श्रम शक्ति जो है, श्रम शक्ति हमारी भक्ति है, श्रमिकों को न्याय देना ये हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने भी न्याय दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना बनाई, श्रमिकों को न्याय देने की भूमिका रखी, सफाई मजदूरों को न्याय देने की भूमिका रखी, दलित समाज के मजदूर हो, आदिवासी समाज के मजदूर हो, ओबीसी समाज के मजदूर हो, बहुजन समाज के मजदूर हो, या उच्च वर्णीय समाज के भी मजदूर हो, सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका अपनी सरकार की है। और ये सरकार मतलब श्रमिकों के लिए काम कर रही है। भूपेंद्र यादव जैसे स्टडीड आदमी को, जो बहुत ही हमारे बीजेपी के एडवोकेट भी है, उनका लेबर पर बहुत बड़ा अभ्यास भी है, और लेबर को न्याय देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने की कोशिश उनकी है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हमारा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे बेरोजगार किया था, मुझे शिरडी में हराकर, नहीं नहीं मुझे शिरडी में हराकर बेरोजगार कर दिया था। तो मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मुझे बेरोजगार करने वाले कांग्रेस को मैं भी बेरोजगार का करूंगा, और 2014 में कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो गई है। जरूर हम आपको रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन जनता आपको रोजगार देना नहीं चाहती है। जनता के मन में है एनडीए की सरकार, जनता के मन में है भारतीय जनता पार्टी, जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भूमिका लेती है। ऐसे सरकार को सपोर्ट करने की भूमिका मेरी पार्टी की है। बाबा साहब अंबेडकर जी अपने देश के लेबर मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में बाबा साहब अंबेडकर रहे, लेबर को न्याय देने की भूमिका उन्होंने रखी। 12 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे करने का भी काम उन्होंने किया है, महिलाओं को मतलब छुट्टी देने का काम भी मतलब उन्होंने किया था, महिलाओं को मतलब पूरी मदद करने का काम भी उन्होंने किया था। और इसीलिए जिस बाबा साहब अंबेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, उसी पार्टी के माध्यम से आज मैं इस सभागृह में खड़ा हूँ। मैं लोकसभा में 3 बार था, कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से मैं 3 बार था, अभी मैं 2 बार नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट से मैं इधर हूँ, और मैं तीसरी बार भी इधर आऊंगा, चौथी बार भी आऊंगा, पांचवी बार भी आऊंगा। जब तक मतलब नरेंद्र मोदी जी है तब तक मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक नरेंद्र मोदी जी है। थैंक यू, थैंक यू। मतलब हम सब लोग जो है इधर आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए मतलब जो इस मंत्रालय के संबंध में जो चर्चा हो रही है, जरूर हमारे सरकार की तरफ से लेबर लोगों के लिए काम अच्छा किया जाएगा। मेरा भूपेंद्र जी की इतना ही निवेदन है कि जो सफाई मजदूर है उनको सफाई मजदूर की जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होते हैं सफाई मजदूर होते हैं, रिटायर तक उनको परमानेंट नहीं किया जाता है। इसके लिए इस पर कोई योजना बनाने की आवश्यकता है, और जो बंद कारखाने उसको चालू करने की आवश्यकता है, और जो लेबर है उनको न्याय देने की आवश्यकता है। इसलिए जरूर आप अच्छे निर्णय लेगी ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ, और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्री रामकुमार वर्मा जी।